How does elimination of OCD become a problem? धार्मिक ओसीडी समस्या कब बन जाती है? धार्मिक ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी समस्या कब बन जाती है? आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। धार्मिक ओसीडी आप जानते ही हैं, धर्म के विषय में उल्टे पुल्टे विचार आना, गंदे विचार आना, पूजा प्रार्थना में विचार आना, धार्मिक पुस्तकों के विषय में बुरे विचार आना, देवी देवता और भगवान के विषय में गलत विचार आना, धार्मिक ओसीडी है। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि धार्मिक ओसीडी समस्या कब बन जाती है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधप्रिया, ओसीडी एक्सपर्ट, और आज की इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज जानते हैं कि धार्मिक ओसीडी समस्या कब बन जाती है। सबसे पहले ये जान लें कि कुछ इंसान जब सोचता है, कुछ भी सोचता है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड बिलीफ होता है, कुछ बैकग्राउंड एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं। जैसे ही जीवन में कोई घटना घटती है तो उसको मान लेना कि वो घटना उसके बुरे विचारों के कारण हुई है। जैसे ही उसने बुरा सोचा तो उसके साथ बुरा हो रहा है, उस चीज के साथ कोरिलेट कर देना, बुरे सोचने के साथ बुरा होने का कोरिलेशन बना लेना, धार्मिक ओसीडी में समस्या बन जाता है। तो हर इंसान के जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती है, लेकिन धार्मिक ओसीडी वाले सोचते हैं कि उनके मन में जो विचार आए थे, भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति, पूजा के समय जो विचार आए थे, उन्हीं के कारण उनके साथ बुरा हो रहा है। ऐसा सोच लेना, ऐसा एक्सपीरियंस में ले आना धार्मिक ओसीडी को समस्या बना देता है। अगर विचार बुरे हैं तो खुद को बुरा मान लेना और खुद के साथ बुरा हो जाएगा, इस विश्वास के साथ खुद को जोड़ देना धार्मिक ओसीडी में सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट आता है धार्मिक ओसीडी को समस्या बनाने वाला, वो है मीनिंग देना विचारों को। जो मन में विचार आते हैं, जो इमेजेस आती है, उनको मीनिंग दे देना, उनको एक मतलब दे देना, एक अर्थ दे देना कि जो उसके साथ घट रहा है उसी के कारण हो रहा है, बुरे सोचने के कारण। जो बुरी उसके अंदर तस्वीरें आती हैं, मन में पूजा के समय बुरा आ रहा है तो उसी के कारण उसके साथ बुरा हो रहा है, उसी के साथ जोड़ देना, उसी के साथ मीनिंग दे देना कि बुरा सोचने का मतलब है बुरा हो जाना। इस तरह के जब मीनिंग इंसान देता है अपने विचारों को, धार्मिक ओसीडी में इंसान अपने विचारों को नॉर्मल नहीं मानता है, सामान्य नहीं मानता, वो सोचता है कि ये विचार उसके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। अगर जो विचार आ रहे हैं ओसीडी के अंदर, उन्हें बुरा मान लेता है, मीनिंग बुरा देता है और पाप के साथ जोड़ देता है कि जो गलत विचार आए इससे वो पापी हो रहा है, इससे वो भगवान का अपराधी हो रहा है, भगवान उसे सजा देंगे। इन थॉट्स के साथ ऐसा मीनिंग जोड़ देना, सजा का, अपराधीपन का, पाप का मीनिंग दे देना इन थॉट्स को, नेगेटिव बैड थॉट्स का इनको मीनिंग दे देना, ओसीडी के अंदर सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। और धार्मिक ओसीडी समस्या तभी बनता है जब इन विचारों को मीनिंग दिया जाता है, इन विचारों को बुरा मीनिंग दिया जाता है, पाप वाले विचार समझा जाता है, बहुत खतरनाक विचार समझा जाता है और नुकसान के साथ इनको जोड़ा जाता है, तब ये समस्या और भी भयंकर बन जाती है। और तीसरा कंपोनेंट है माइंड अपसेट हो जाना और गिल्टी फीलिंग आना और माइंड अपसेट हो जाना। जैसे ही विचार आए और उन विचारों को मीनिंग दिया गया, उससे एक एंग्जाइटी और एक गिल्टी फीलिंग मन में आती है कि वो पापी है, वो दोषी है, वो भगवान का अपराधी है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, वो कितना पापी इंसान है जो ऐसा सोचता है, भगवान के विषय में बुरा सोचता है, देवताओं के विषय में उसके मन में सेक्सुअल या बुरे ख्याल आते हैं और धार्मिक पुस्तकों के विषय में उसके बुरे ख्याल आते हैं, वो इंसान एक पापी है, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग की तो बात दूर। जब इस तरह से विचारों को गिल्टी के साथ जोड़ा जाता है, गिल्टी के साथ उन विचारों को जोड़ दिया जाता है, खुद को दोषी मान लिया जाता है, अपराधी मान लिया जाता है और उसकी वजह से माइंड अपसेट होने लग जाए,
अपसेट होने लग जाए, ना काम में ध्यान लगे, ना जीवन में ध्यान रहे, बस कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, मूड खराब रहने लग जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, चिंतित रहने लग जाए, नींद भी बाधित हो जाए, तो जैसे ही अपसेट जीवन होता है, माइंड अपसेट होता है, तो ये धार्मिक ओसीडी समस्या बन जाता है। तो ये तीन तत्व जिम्मेवार है धार्मिक ओसीडी को समस्या बनाने के लिए। इनसे निपटने के लिए सबसे पहले कि जो एक्सपीरियंस है जीवन में, जो बुरा होता है वो बुरा सोचने से नहीं होता है, वो तो जीवन की घटनाएं हैं, उन्हें नॉर्मल माने। और दूसरा है कि किसी भी थॉट्स को मीनिंग ना दें, पाप के साथ ना जोड़ें, कि बुरे विचार आ रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि वो पापी बन रहा है, विचार तो सबके मन में आते हैं। और तीसरा है गिल्टी ना माने, खुद को दोषी ना माने, अपराधी ना माने, बुरा सोच लिया तो आ गया, मन है, मन में कुछ भी विचार आ रहे हैं, किसी भी पाप भावना के साथ ना जोड़ें, गिल्टी के साथ ना जोड़ें, माइंड को अपसेट ना होने दें, माइंड के अंदर उलझाव ना आने दें, विचारों की डायरेक्शन सीधी कर दें, विचारों को छोड़ दें, धार्मिक बुरे विचारों को पकड़े नहीं, तो इलाज हो जाता है। अगर अब भी लगता है कि और कुछ जानना जरूरी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। चूक ना जाना ऑनलाइन मुझे रिलीजियस ओसीडी के बारे में बताना, अगर आप रिलीजियस ओसीडी के बारे में बताते हैं तो इलाज पक्का मानिए। आप इन वीडियोज के लिए समय निकालते हैं और रिलीजियस ओसीडी को ठीक करने के लिए थेरेपी आप जानते ही हैं, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीडीटी कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान है जीवन जीने का नाम, और श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी। इन थेरेपीज की मदद से ओसीडी का इलाज बखूबी किया जाता है। आप इन वीडियोज के लिए समय निकालते हैं और समय से मैं प्रेयर करते हैं, इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ।